तो क्या गाइस, आज के वीडियो मुझे ये वाला GTA 5 का मैप अपनी इंडियन बाइक साइड गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। ओ भाई, तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो मुझे ये वाला GTA 5 का मैप अपनी इंडियन बाइक साइड गेम के अंदर देखने को मिले, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथ बस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मिथ की तरफ। मिथ एक ट्रेलर के ऊपर दूसरे ट्रेलर को लगाओ और याद रहे करेक्टर हिलना नहीं चाहिए, फिर देखो मैजिक। तो यहाँ पर मैं अपने करेक्टर को एक जगह पे रुका लिया है एंड यहाँ पे मैं 0-12-12 डायल करके एक ट्रक ट्रेलर को मंगाता हूँ एंड उसके ऊपर ही दूसरा मंगाते हैं। तो यहाँ पे 0-12-12 डायल कर लिया, इसके ऊपर दूसरा मंगाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने 0-12-12 डायल फिर से कर लिया एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गाइस मेरा करेक्टर थोड़ा सा हिल गया था तो मुझे अगेन करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर फिर से मैंने 0-12-12 डायल कर लिया एंड इसके ऊपर दूसरा भी डायल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पे दूसरा स्पॉन करते ही दोनों ट्रक ट्रेलर्स उड़ गए और पता नहीं कहाँ चले गए। एंड मैजिक भी शायद यही था कि एक ट्रेलर के ऊपर दूसरा ट्रेलर स्पॉन करेंगे तो दोनों ट्रेलर ही उड़ जाएंगे। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। ज़ॉम्बी 20-30 यूज करो प्लीज। आई थिंक 20-30 से ज़ॉम्बीज आएंगे। यहाँ मैं डायल कर लेता हूँ 20-30 एंड डन हो चुका है एंड अभी तक मुझे कोई भी ज़ॉम्बी तो नजर नहीं आया एंड बट वेट यहाँ आ चुका है। यस भाई, यहाँ पर 20-30 डायल करते ही ज़ॉम्बी आ चुका है एंड एक सेकंड ज़ॉम्बी नहीं, ज़ॉम्बीज आ चुके हैं भाई। एक नहीं है, काफी सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। हमारी सारी की सारी सिटी के अंदर ज़ॉम्बीज भर चुके हैं। तो यस गाइस, 20-30 डायल करते ही काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, मतलब पूरी की पूरी सिटी भर चुकी है। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ पहले स्टेशन पे स्लो मोशन ऑन करके हेलीकॉप्टर स्पॉन करना है और हेलीकॉप्टर अच्छी तरह से स्पॉन हो जाए, फिर स्लो मोशन ऑफ करना है और ट्रेन ऑन करनी है और तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है, फिर देखो मैजिक। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया। राइट, तो सबसे पहले यहाँ मैं स्लो मोशन एक्टिवेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मुझे स्लो मोशन में ही हेलीकॉप्टर को स्पॉन कराने। तो यहाँ पे मैं 8000 डायल करके एक हेलीकॉप्टर को स्पॉन करा लेता हूँ एंड तब तक हमारा स्लो मोशन लगा रहेगा तब तक अच्छे तरीके से हेलीकॉप्टर स्पॉन ना हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से स्पॉन होने दो एंड डन। यहाँ पे अब तो स्पॉन हो चुका है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने स्लो मोशन डीएक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ट्रेन को स्टार्ट करना है एंड जल्दी जल्दी में बैठ जाना है हेलीकॉप्टर पे। तो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है एंड वेट नहीं हुई। Well done. फिर से मैंने कर लिया है, ट्रेन को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड जल्दी जल्दी में अब मुझे हेलीकॉप्टर पे बैठ जाना है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बैठ जाता हूँ एंड देखते हैं अब क्या मैजिक होता है। चलो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको चला के देखता हूँ एंड यहाँ पर तो कोई भी मैजिक नहीं हुआ। ट्रेन भी चल रही है और हेलीकॉप्टर भी जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। मुझे तो लगा था भाई कोई थ्रिलिंग एडवेंचर होने वाला है, कोई नेक्स्ट लेवल मिथ होगा, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। नॉर्मल ट्रेन चल रही है और जैसे हेलीकॉप्टर चलता है वैसे ही चल रहा है। तो ये वाला मिथ बस के देखा आपने लापरवाही का नतीजा। 4x7 वाली बाइक का स्पीड मीटर 188 की स्पीड पे अटकता रहता है। तो यहाँ पर मैं मंगा लेता हूँ 4x7 वाली बाइक को एंड यहाँ पे कोई तो हमें बाइक मिली है, इस पे बैठते हैं। इसका मीटर एंड ये यहाँ पे 188 लिखा हुआ है, मैंने इसको अभी तक चलाया भी नहीं है। आई थिंक इसका मीटर ही ऐसे 188 पे। आप लोग कितनी भी स्पीड में भगाओ या फिर कितना भी स्लो कर लो, इसको 188 पे ही रहना है। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ एनपीसी की कार का हम कलर कर सकते हैं, मतलब गाड़ी उसकी और कलर्स हम लोग चेंज करेंगे। चलता हूँ कलर्स के अंदर एंड यहाँ पे इसके कलर्स चेंज करते हैं एंड ये यहाँ पे इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, दूसरे गाड़ी और चेंज हम कर रहे हैं। लिटरली भाई मुझे आज पता चला है कि एनपीसी की गाड़ी के हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, आप जब ट्रक में बैठोगे तब आपको सेंटर में देखना तो वहां एक फोन रखा रहेगा। अच्छा तो ट्रक मंगाना है हमें, ट्रक का चीट कोड आई थिंक 12-12 डायल कर लेते हैं एंड ये यहाँ पे 12-12 आ चुका है। इसके अंदर मैं बैठता हूँ एंड देखते हैं क्या सेंटर में फोन पड़े हैं कि नहीं। मैं इस पर फर्स्ट पर्सन व्यू कर लेता हूँ एंड ये यहाँ पे सेंटर पे देखो तो दो आईफोन्स पड़े हैं, आईफोन्स। और फिर भी हमारा करेक्टर एक खटारा सी मोबाइल चलाता है पता नहीं कितने अपडेट से। तो यस गाइस, इस वाले ट्रक के बीच में दो फोन्स पड़े हैं, मतलब फोन्स नहीं आए फोन्स पड़े हैं। तो ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। तो भाई यहाँ पर एक साथ ही काफी सारे मिथ मिले। तो पहला मिथ है स्प्लेंडर, जो सुपर स्प्लेंडर से तेज भागती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मंगा लेता हूँ सुपर स्प्लेंडर को 6021 डायल करके एंड यहाँ पे हमारी सुपर स्प्लेंडर आ चुकी है। तो इसको भगा के देखते हैं पहले एंड फिर ही पता चलेगा कि इसकी स्पीड ज्यादा है या फिर जो पुरानी स्प्लेंडर है। तो यहाँ पे इसकी मैं फुल स्पीड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ओके, अब अंदाजा तो हमें लग चुका है कि इसकी स्पीड कितनी है। कुछ भी, तो अब यहाँ पे मंगा लेता हूँ 9000 डायल करके नॉर्मल स्प्लेंडर जो कि हमारी पुरानी स्प्लेंडर है। तो अब इसकी स्पीड चेक करते हैं एंड देखते हैं कौन है ज्यादा तगड़ी स्पीड वाली एंड यहाँ पे इसकी मैंने फुल स्पीड कर लिए। अबे टक्कर
इसको मैंने फुल स्पीड दे दी है, बट मुझे दोनों स्प्लेंडर की स्पीड सेम ही लगी है, सुपर स्प्लेंडर की एंड नॉर्मल स्प्लेंडर की। तो नॉर्मल स्प्लेंडर की ज्यादा स्पीड नहीं है, सेम है। तो ये वाला मिथ बस पे तो गेम बचाना पड़ेगा। मिथ नंबर टू, अगर आप सेटिंग्स में जाकर कैम डिस्टेंस हाई कर दोगे तो बिल्डिंग गायब नहीं होगी। ये देखो गाइस, अब मैं जैसे ही बाहर आ रहा हूँ तो दूर वाली बिल्डिंग्स है ना वो गायब हो जा रही है, थोड़ा सा आगे जाओ फिर नजर आ रही है। तो इसका हल है कि नहीं इसको चेक करते हैं। तो मैंने एग्जिट कर लिया है, सेटिंग्स में चलते हैं एंड इसको हाई कर देते हैं कैम डिस्टेंस को, और फिर से इसको ऑन करते हैं। ओके तो गाइस अगेन मैंने गेम को ऑन कर लिया है कैम डिस्टेंस हाई करके एंड बाहर चल के बिल्डिंग्स देखते हैं। एंड यस, यहां पे दूर वाली बिल्डिंग्स पहले हमें नहीं दिख रही थी बट अब दिख रही है सारी की सारी। तो एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जो कि हमें ना दिख रही हो भाई, सारी की सारी दिख रही है कैम डिस्टेंस करने के बाद, एक भी गायब नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो यस गाइस, इसका सेकंड मिथ कंफर्मड है। मिथ नंबर थ्री, फन ट्रैक लगा के तुरंत फर्स्ट पर्सन व्यू करें तो ट्रेन स्पॉन होती है। लगा लिया है, तुरंत फर्स्ट पर्सन व्यू करता हूँ एंड यस, यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेन उड़ी है जैसे कि यहाँ पे स्पॉन हुई हो। अगेन ट्राई करते हैं, मैं बैक कर लेता हूँ, फन ट्रैक के अंदर चलते हैं एंड भाई गौर से देखना, मैं भी जल्दी जल्दी में फर्स्ट पर्सन व्यू करूंगा। वेट करते हैं इसके स्टार्ट होने का एंड ओके यार शिट, इस बार तो गलती हो गया, फिर से बैक करना पड़ेगा। चलते हैं फिर से फन ट्रैक के अंदर एंड भाई मैं इस बार एक बार ही फर्स्ट पर्सन व्यू करूंगा, आप लोग गौर करना देखते हैं। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पे ट्रेन हिली है मतलब स्पॉन हो रही है। तो यस गाइस, इसका थर्ड मिथ भी कंफर्मड है, बस इसका पहला मिथ बस्ट हो गया। मिथ चार, बार 9 और 101 में एक साथ बैठते बैठते स्काई फॉल करो तो मैजिक होगा नाइट में। तो नाइट मोड तो मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, तो यहाँ पर मैं मंगा लेता हूँ सबसे पहले 999 वाली बाइक को एंड इसके साथ ही 101 वाली गाड़ी को मंगाना है। तो अब यहाँ पे मैं डायल कर लेता हूँ 101 एंड देखते हैं क्या मिलता है हमें। एंड ओके, यहाँ पे हमें लेजेंड और फॉर्चुनर मिली है, तो अब इन दोनों के बीच में हमें बैठ जाना है, मतलब एक टाइम पे ही बैठने वाले पे भी क्लिक करना है और स्काई फॉल का चीट कोड भी लगाना है। तो यहाँ पे बुलेट के ऑप्शन यहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो उस साइड ले चलते क्योंकि दोनों के ऑप्शंस तभी आएंगे, ऐसे ऑप्शंस नहीं आ रहे और हमारा ग्लिच भी नहीं होगा। तो मैं अपनी बुलेट को अच्छे तरीके से फॉर्च्यूनर की उस साइड मिला लेता हूं। ओके, यहां पर मैं इसको मिला लेता हूं अच्छे तरीके से, डन। अब मैं उतर जाता हूं एंड यहां पे मैं अपनी मोबाइल निकालता हूं, स्काईफॉल का चीट कोड ऑलरेडी डायल कर लेता हूं। फिर यहां पे दोनों के ऑप्शंस भी आ चुके हैं बैठने के, यहां पे मैं चीट कोड डायल करूंगा, दोनों पे दबाऊंगा। यहां पे मैं डायल किया एंड बैठने पे क्लिक कर लिया, अब देखते हैं क्या होता है। एंड वेट, ये मेरा बंदा लिटरली आसमान के अंदर स्टक हो चुका है और ये आसमान पे ही खड़ा हुआ है। ये भगवान क्या जुलूम है। अब भाई मैं ना तो हिल पा रहा हूँ, ना इधर हो पा रहा हूँ, ना उधर हो पा रहा हूँ, ये क्या हो चुका है मेरे बंदे को। तो ये वाला मिथ कंफर्मड है, मिथ सिट ऑन डायनासोर एंड हॉर्स टुगेदर देन सी अ मैजिक। ओके, तो सबसे पहले यहाँ मंगा लेता हूँ एक हॉर्स को एंड उसके साथ ही एक डायनासोर को। तो हॉर्स का चीट कोड आई थिंक 200 एंड यस, यहाँ पे 50-50 डायल करके डायनासोर को बुला लेते हैं। यहाँ पे मेरी दोनों आ चुके हैं, डायनासोर भी एंड हॉर्स भी। अब इन दोनों के बैठने पे ऑप्शन आएंगे तो हमें बैठ जाना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाओ यार, कोई तरीका है भीख मांगने का। ओके, तो मैंने फिर से डायनासोर मंगा लिया एंड इस बार दोनों ऑप्शंस आ चुके हैं, यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ एंड देखते हैं अब क्या होता है। ओके, मैं चलाता हूँ इसको एंड वेट, ये डायनासोर के साथ हॉर्स भी भाग रहा है और हॉर्स तो पहले ही निकल गया। लिटरली भाई मैंने इसको जैसे ही चलाया हॉर्स पहले ही भाग गया, वो जा रहा है हॉर्स। ओ भाई साहब, मैं इसको गिरने देता हूँ, देखते हैं हॉर्स भाई गायब तो नहीं होता है। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो डायनासोर को गिरने देते हैं एंड हॉर्स वहाँ पे गिरा था बट नहीं दिख रहा है। उससे मेरा क्या फायदा, पता नहीं हॉर्स कहाँ चला गया बट ये दोनों चल रहे थे। तो ये वाला मिथ कंफर्मड है। मिथ, अगर आप एनपीसी की कार के पास साइकिल रख के एक साथ दोनों में बैठे तो होगा मैजिक। ओके, तो मैं इस वाली एनपीसी की कार की रोक लेता हूँ, अभी रुक जा एक सेकंड। अब मैं इसकी गाड़ी के सामने एक साइकिल को स्पॉन कराता हूँ 4 बार 1 डायल करके। ओके, यहाँ पे मैंने 4 बार 1 डायल कर लिया है एंड यहाँ पे हमारी साइकिल आ चुकी है। तो अब दोनों पे बैठते हैं, दोनों के बैठने के ऑप्शंस आएंगे। ओके, आ चुके हैं, मैं बैठ जाता हूँ। अबे यार साइकिल ही उड़ गई, शाबाश। ओके, उसके पीछे दूसरी एनपीसी की गाड़ी हो चुकी है, इसको रोकते हैं एंड इसकी साइड में साइकिल को स्पॉन करते हैं फिर से। रुक तो अपने आप ही गई है, तो क्या करता हूँ मैं फिर से यहाँ पे गाइस एक मंगा लेता हूँ साइकिल को। फिर से यहाँ पर मैं 4 बार 1 डायल करके साइकिल को स्पॉन कर लेता हूँ एंड दोनों ऑप्शंस आएंगे। ओके, दोनों ऑप्शंस आ चुके हैं, मैं बैठ जाता एंड देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कोई तो ग्लिच हुआ है एंड वेट, ये मेरा बंदा साइकिल पे बैठा है, ये कैसे बैठा है पता नहीं। ये मेरा बंदा लिटरली साइकिल के हैंडल पे बैठा है और वहां पे वो एनपीसी की गाड़ी भी चल रही है। भाई क्या ही क्रेजी है, एक बार मैं फुल एक्सीलेटर देता हूँ एंड ओके ओके, अबे लैम्बोर्गिनी मुझसे आगे चली गई। तो ये वाला मिथ कंफर्मड है। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। तो गाइज आज के लिए कुछ इतने ही मिस थे जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताते हैं, उनमें से ही काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि कंफर्म थे एंड काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि बेस्ट थे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद है लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। और एक जरूरी बात यार, तुम लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे मिस जरूर बता के जाना जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। और अगर आप लोग कोई भी मिस नहीं आते तो आप लोग मुझे चीट कोड से बता सकते हो क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में चीट कोड को भी ट्राई करता हूं। बट अगर आप लोगों को मिस आते तो मिस ही बताना जो कि न्यू अपडेट में है, या फिर पुराने मिस से जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए तो वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।